दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार बरसाने के लिए, क्योंकि दुनिया का यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मार्केट में जाते हैं प्यार मिलता है, ये सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म है जहां प्यार बरसता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों डायमंड शिप पे आपने मेरी पूरी कहानी सुनी थी और उसमें आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उस डॉक्यूमेंट्री में आपने एक मेरी अलग लाइफ देखी थी, तो उस लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा नहीं, ना ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, क्योंकि उस पर हो लिया है। मेरी माँ भैंस पालती थी तो अब आजकल नहीं करती, मेरे पिताजी ऊँट गाड़ी चलाते थे तो आजकल नहीं चलाते, तो फालतू की बात करने से फ़ायदा क्या है, तो फायदे की बात करें अपन। हाँ दोस्तों, 9.5 साल पहले, बस इतना सा बता देता हूँ, मैं एक स्टूडेंट था और पॉकेट मनी के लिए आया था इस बिजनेस में, लेकिन पॉकेट इतनी बड़ी हो जाएगी कि बड़े बड़े काम करा देगी ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों सबसे पहले धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का कि ये सब काम करने का उन्होंने मौका दिया, और धन्यवाद मेरी फैमिली का, थैंक्स, धन्यवाद सेफ शॉप कंपनी का, धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। जिस रास्ते पे चल करके एक आम लड़का खास बन पाया, एक गरीब लड़का अमीर बन पाया, और एक छोटी पॉकेट से ये अपनी बड़ी पॉकेट कर पाया, धन्यवाद मेरे ग्रेट आदर्श लोगों का, क्योंकि मैं पिछले 9.5 साल का मेरा इतिहास और मेरा कैरियर को मैं देखता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी इस काम की, और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं जैन सर का। 38 की टीम पे मैं दिशा में गया था, सर थैंक यू सो मच, आज मेरी 38,000 की टीम है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों किसी की दिशा पे फिदा हुए हम, किसी के जोश पे फिदा हुए हम, किसी के अदाओं पे फिदा हुए हम पिछले 9.5 साल में, किसी की नॉलेज पे फिदा हुए, किसी के प्यार पे फिदा हुए, किसी की मासूमियत पे फिदा हुए, और ये फिदा इन पे ही थे हम जिसकी वजह से रुक गए, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारे जैसे इंसान को रोक दे और ये काम करा दे। इनकी ताकत थी कि एक 19 साल के लड़के को इन्होंने यहां तक का 28 साल का कर दिया और 9.5 साल का सफर तय करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबका धन्यवाद, टिकेंद्र सर का धन्यवाद जिनकी अदाओं पे पिछले 9.5 साल से फिदा हूं मैं, मिस्टर सुनहरी लाल जी का धन्यवाद, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद, जो कंधे पकड़ते हैं तो अलग ही जोश आ जाता है, जिनकी नॉलेज पे हम कायल हैं और ऐसी जबरदस्त लीडरशिप में हम काम करते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ कब कब कितनी टेंशन होती है, 9.5 साल से मेरे को कतई नहीं होती टेंशन, क्योंकि जिन लोगों के साथ हूं मैं, आप बता दो मुझे आज जिनको देखा है आपने, इनके साथ रहने वाले को टेंशन करना चाहिए क्या? अगर इनके साथ रहने की टेंशन कर रहा है आदमी को, इनके साथ रहने के बाद भी, तो फिर चल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आदमी को यार। इतने महान शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा एक छोटे सपने को बड़ा बनाया, छोटे आदमी को मेरे जैसे लोग हजारों लोगों को बड़ा बनाया। मिस्टर हरिशंकर जी जिनकी मेहनत को मैंने देखा है और उनकी मेहनत को कॉपी किया मैंने, मिस्टर गिरवाल साहब के इस उम्र के जोश को मैंने देखा है कि कितने बड़े बड़े सपने इस उम्र में व्यक्ति देखता है। तो दोस्तों इन सब ने मुझे यहां तक पहुंचाया, और लास्ट में आप समझ ही गए होंगे एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास आदमी का साथ मिला, वर्ल्ड क्लास आदमी का साथ मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जिन्होंने मुझे प्यार दिया भाई का, जिन्होंने मुझे बिजनेस गुरु बने मेरे, जिन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया, जिन्होंने मुझे जीरो से हीरो तक पहुंचाया, ऐसे ऐसे दरिंदों के बीच में मैं फंसा हुआ था जहां से मुझे निकाल करके ये लाए। मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे अंदर क्या देखा था, लेकिन मुझे ये पक्का याद है जब इनकी पर्ल की रिकॉग्निशन हुई थी तो मैं इनकी लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन मुझे ये भरोसा था मेरी मेहनत पर, मेरी ईमानदारी पर, कितना तगड़ा काम करके दिखाऊंगा, सर की लिस्ट में अगर नाम होगा तो उसमें वह फर्स्ट रैंकिंग का नाम अपना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, एक लाइन बोलना चाहूंगा, सारा जहां घूमिया इनके जैसा ना कोई। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मेरी सक्सेस के पीछे अगर पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है तो इन सब लोगों का जाता है, इस सिस्टम कंपनी इन लोगों का जाता है, अपनी कोई औकात नहीं, क्योंकि अपने को अपनी औकात याद है। 20 रुपया लेकर के आए थे इस बिजनेस पर, और वो भी था 10 आने का 10 जाने का कॉलेज का किराया,
अगर दोस्तों 2100 रुपया भी अगर मेरे पास आया है तो इस कंपनी और इन आदर्श लोगों की वजह से आया है, वरना अपने पास 20 के अलावा कुछ नहीं था। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों प्राइस की जिंदगी हुआ करती थी आज से 9.5 साल पहले। मार्केट में निकलते थे, कोई भी चीज मन करता था खरीदने का कि ना ये अपने मतलब की नहीं है, लेकिन दोस्तों उस प्राइस की जिंदगी बनाया है इस सिस्टम ने, चॉइस की जिंदगी। मुझे याद है अभी एक हफ्ते पहले का एक इंसिडेंट, मेयर सर गए एम्बियंस होटल, एम्बियंस मॉल, और जाने के बाद हम गए थे टारगेट लेके कि एक सूट खरीदना है फंक्शन के लिए। आप देखिए कि किस एम्बियंस में चलते चलते सूट खरीद रहे थे, सूट के लिए ब्लैकबेरी किधर है, ब्लैकबेरी किधर है, ब्लैकबेरी अच्छा सेकंड फ्लोर पे, अच्छा ब्लैकबेरी इधर है, अच्छा नहीं दिखा, राड़ो सर बोलते, राड़ो राड़ो इधर आ, इधर आ, इधर आ, राड़ो दिखते ही राड़ो में एंट्री कर गए। एंट्री करके बोला भाई घड़ी दिखा। 20-30 हजार का सूट खरीदने के लिए गए थे और उस शोरूम में एंट्री कर जाते हैं और एंट्री करके बोला घड़ी दिखा। उसने घड़ी दिखाई, सर ने मेरी कलाई पे डाली, बोला यार ये जम रही है। मैंने मेरी पॉकेट से एटीएम निकाला, मन की जम रही है तो लो सर। एक प्राइस की जिंदगी को चॉइस की जिंदगी बना देता है। मार्केट में जाके मैंने बोला लोगों को कि देख मैंने 1.5 लाख रुपए की घड़ी खरीदी है। बोला सर पहले कितनी थी? मैं कि 9.5 साल पहले 80 रुपए की थी टिम टिम। तो बड़े एटीट्यूड में बोलता है, बोला समय तो वो भी बताती थी। मन की वो एक गरीब लड़के का समय बताती थी, ये आज अमीर लड़के का समय बताती है। फर्क है। तो दोस्तों प्राइस की जिंदगी थी, आज चॉइस की जिंदगी बना दी है। मुझे याद है जब मैं इस बिजनेस में आया था, पैदल आया था पैदल, और पैदल आने के बाद मैंने मेहनत किया, मैंने पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी और मोटरसाइकिल खरीद के मैं सर के पास गया था गुड़ बांट के। हाँ मिठाई के पैसे ही कहां थे? मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर मोटरसाइकिल खरीदी है। सर ने मेरे को बोला कि मोटरसाइकिल खरीद ली ना? मैंने कहा हाँ सर। बोला इसको इतना चलाना है, इतना चलाना है कि साले अगले टायर एक टायर के 2000, पिछले के भी 2000। अच्छा मुझे नहीं पता था कि 2 कैसे होंगे, मैं तो चला रहा था, मन की कब हो 2, कब हो 2। मैं एक दिन हार थक के बह गया, मन की सर ये 4 हो ही नहीं रहे। बोले तेरे अकाउंट में पैसा है? मन की खूब आ रहा है, दबके मेहनत करता है तो पैसा आता है आदमी के पास। तो बोले 2 ऐसे नहीं होते हैं, इधर मैं लेके चलता हूं तेरे को 4 करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने ले जाके टेक दिया शेवरलेट के शोरूम में, जहां मैंने 4.5 लाख रुपए की पहली गाड़ी 2.25 साल के टाइम पीरियड में खरीद ली थी, और ऐसी सिचुएशन में खरीदी थी। विश्वास नहीं करोगे आप कि मेरी अगर पर्सनैलिटी आप देख लो, मैं सर की दिशा में गया था, उस फोटो को जब देखता हूं तो मेरे को खुद को शर्म आती है। मेरी बाहर से हड्डियां गिन लो आप, पूरी है या एक आध कम है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट में चलता था, लोग रस्ते में रोक लेते थे, बोलो भाई साहब तेरी है क्या? मैंने कि क्यों डाउट कैसे? बोला तेरे को देख के लगता नहीं है कि तेरी कार होगी है, तो मेरे को आरसी दिखानी पड़ती थी। मैंने कि देख मेरी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। उसको चलाने के बाद दूसरी कार उस समय मेरी चॉइस की होती थी। मार्केट में गया डिजायर गाड़ी खरीद ली 8.5 लाख रुपए की, वो आज भी है, उससे सब्जी लाता हूं आजकल मैं। हाँ कई रिश्तेदार मांग लेते हैं, मन की यार तू भी ला जा सिमरन जी जिंदगी ले जा जा। हाँ दे देते हैं ले जा जा, वो है आज भी। लेकिन दोस्तों 4 महीने पहले आप सोच नहीं पाओगे, मेरा पिताजी का सपना था बेटा 15,000 जिस दिन तू कमाएगा तो तेरा बाप कॉलर ऊंची करके चलेगा और सारे बटन खोल के चलेगा, 3-4 होते ही इतने थे टोटल। ये मेरे पिताजी का सपना था, पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपया अगर तूने कमाया तो मेरा बुढ़ापा सुधर पाएगा। मेरी मां बोलती थी बुढ़ापा सुधर पाएगा अगर तू नौकरी लग गया, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन, इंटेलिजेंट बंदा मैं। लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिए आप कितना बड़ा काम है। एक 4 महीने पहले एक लड़का जिसके पूरी जिंदगी में पिताजी का सपना था 50 लाख रुपए कमाने का, वो शोरूम में जाता है और 41 लाख रुपए की BMW कार खरीद लेता है। एक गरीब लड़का था, साला BMW का नाम 9.5 साल पहले ले दे तो लोग FIR कर दे हमारे ऊपर।
किस तेरी हिम्मत कैसे हो गई बीएमडब्ल्यू का नाम लेने की बे? यस, आजकल लोग बोलते हैं सर कैसा फील कर रहे हो बीएमडब्ल्यू में। अरे फीलिंग मत पूछो, आजकल तो नाम लेने में आनंद आ जाता है, बैठने की तो छोड़ो आप। यस हाँ यस, 4 महीने पहले बोलते थे, पूछते थे लोग कौन सी गाड़ी चलाते हो, मन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, नाम ही गरीब लगता है, मारुति सुजुकी नाम का ही चिराना हो गया हो जैसे। आजकल लोग बोलते कौन सी गाड़ी चलाते हो, मन की सर बीएमडब्ल्यू, इतना भारी नाम है, गरीब आदमी तो नाम के नीचे दब के मर जाए। यस, मैं शोरूम से निकला गाड़ी, मैं जैसे ही निकला गया, जब कोई नहीं देख रहा था, बाहर निकला तो जैसे ही रोड पे निकला तो सब इधर ही देख रहे हैं, मन की सर ये माजरा क्या है, कुछ गलत तो नहीं कर गए अपन? गया था जब कोई नहीं देख रहा था, आए हैं जब सब देख रहे हैं। बोला ये तेरी गाड़ी का जलवा है रे, पहले लोग गाड़ी देखते हैं फिर अंदर देखते हैं कौन चला रहा है। अच्छा लोग डाउट भी कर लें कि कोई ड्राइवर चला रहा है, साला ड्रेस इतनी शानदार पहनते हैं हम यहां करके कि आदमी को मानना ही पड़ेगा कि यस इसी की है। यस थैंक यू वेरी मच। फिर मैं लेके गांव चला गया बीएमडब्ल्यू को लेके, एक गांव में निकल गया मैं, मेरा जो गांव है जहां मैं पहले रहता था वहां चला गया मैं। वहां चला गया तो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो मेरे पिताजी को बोलते थे कि इस छोरे को इस काम में मत करवाना, ये छोरा बर्बाद हो जाएगा, ये छोरा लूट जाएगा। मैं मन में सोचता था कि यार हम आबाद हैं कहां जो होंगे, 20 रुपया था जेब में, लूट लो। यस या नो? तो मैंने उसको गाड़ी में बैठा लिया ले जा करके, मैंने कि चाचा ये गाड़ी लिए मैंने एक। बोला अच्छा कितने की है? मैंने कि 41 लाख की है। बोला क्या है इसमें ऐसा? मैंने उसको बैठाया सीट पे बैठा के सब बताया, ये है। मैंने कि मैं डिजायर की क्लिच दबा दबा के परेशान था, बेचारी टाइट और हो गई थी क्योंकि 1 लाख चल गई थी वो, इसमें साली क्लिच ही नहीं है। मैंने कि किसी के अच्छे दिन आए कि नहीं आए, इसके अच्छे दिन आ गए। यस, ना क्लिच है ना गियर है। बोला अच्छा? मैंने कि हाँ। बोला और फिर मैंने छत खोली, जब छत खुली ना पूरी तो आप देखना उसकी सिचुएशन क्या थी उस समय जब छत खुल रही थी। अच्छा मोटरसाइकिल ली जब बोलते थे, मेरा एक्सप्रेशन समझना लोगों के क्या एक्सप्रेशन थे। मोटरसाइकिल ली जब, पहली कार ली जब, दूसरी कार ली जब, ऐसे तो बीएमडब्ल्यू के बाद ही होती है। नहीं तो लोग नजदीक नहीं बैठने देते थे। हाँ ठीक है ले ली होगी। अच्छा अगला वर्ड उसका क्या था कि भाई अब मान गए तेरे को, अब तो तू हेलीकॉप्टर भी ले सकता है भाई। तो ऐसा नहीं है, सोच अपनी बड़ी है, मार्केट में भी लोगों की बड़ी है, वो मानेंगे जब जब 40-50 लाख की गाड़ी ले लेंगे अपन, दम मानेंगे कि हाँ दम तो है। दोस्तों आज मजा आता है, मैं 5 साल का था, मेरा पिताजी ऊंट गाड़ी चलाता था, खेत से वापस आता था, शाम को 5 बजे पहुंच जाता था। किस पे बैठने के लिए? रेगिस्तान के जहाज पे बैठने के लिए। मैं 5 साल का ऊंट पे बैठ कर आता था, मेरा 5 साल का लड़का बीएमडब्ल्यू में चलता है। ये देता है ये बिजनेस। मुझे याद है दोस्तों, मैं ऐसे मकान में रहता था इस बिजनेस से पहले, चूने का, कच्चा नहीं था चूने का था, हर बारिश में टपकता था, हर बारिश में गटर पटाव का था, जोड़ होते हैं दोनों जोड़ टपकते थे। अब कोसे तो किसको कोसे, भगवान को भी कोसने से क्या फायदा, आनंद ही लेते थे, वाह क्या झरने हैं। मैंने कि करना तो खुद को ही पड़ेगा। यस या नो? लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की वजह से एक जिंदगी थी जब साला ऐसे मकान में रहते थे, आज जिंदगी है सेफ सोप की वजह से, 5 स्टार कैटेगरी के 1 करोड़ के मकान में रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मैडम उठती है चाय बनाती है, 7वें फ्लोर पे बालकोनी में बैठते हैं, वो उधर बैठती है मैं इधर बैठता हूं, एक चुस्की वो लेती है एक मैं लेता हूं, फिर वो मुझे देखती है मैं उसको देखता हूं, आनंद आता है। हाँ यस, ठंडी ठंडी हवा चलती है 7वें फ्लोर पे, पूरी बालकोनी में मस्त हवा आती है, एक मोहब्बत से एक बार वो देखती है एक बार मैं देखता हूं। अच्छा ऐसा नहीं है पुराने घर में नहीं देखते थे मोहब्बत से, देखते वहां भी थे,
हाँ शक नहीं करना, क्योंकि 9 साल का हो गया है लड़का भी। यस देखते थे वहां भी, लेकिन साला जब चाय बना के देखते थे वो मेरी तरफ देखती थी, मैं उसकी तरफ देखता था, तो जब अपन आप एक दूसरे की तरफ देखते थे तो इतने फिर चाय में देखते तो एक मच्छर और एक मक्खी स्विमिंग पूल बना चुकी होती थी। यस अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तो एक जिंदगी थी आज जिंदगी है, मतलब ऐसा घर बनाया है, ये तो हमारी आदत शुरू से खराब कर रखी है और हमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि घर में मन नहीं लगता, वरना घर गुरुजी ने ऐसा दिलवाया है कि आदमी का साला निकलने का मन नहीं करे। तो 5-स्टार कैटेगरी में इधर 20 कदम चलते हैं स्विमिंग पूल आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं जिम आ जाती है, इधर 20 कदम चलते हैं गार्डन आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं अंदर ही कैंटीन आ जाती है, कोई भी तकलीफ होती है खुद फोन आ जाते हैं। यार क्या जलवा है रे, वारे सेफ सोफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वारे महागुरु लोगों गुरु लोगों, वाह दोस्तों। एक जिंदगी थी 15,000 का सपना था मेरे पिताजी का कि बेटा 15,000 रुपए कमाना, लेकिन दोस्तों मुझे याद है पिछले 6 साल से मेरे पास कोई ऐसा वीक नहीं जाता जिस वीक 6 फिगर में मेरे पास इनकम नहीं आती, पिछले 6 साल से 6 फिगर में महीने की इनकम लेता हूं मैं, पिछले 6 साल से। यह है आज जिंदगी, यह है सेफ सोप की जिंदगी, यह है इस सिस्टम की दी हुई जिंदगी। एक वो थी जिंदगी जहां कट रही थी, आज है जिंदगी कि जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है। मुझे याद है मेरा जब एडमिशन पहली में कराया था तो इंग्लिश मीडियम में कराया था, दूसरी तक पढ़ाया, तीसरी में निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिया, मन की काई को, मन की भारत सरकार फ्री में पढ़ाती है। अपनी स्थिति के हिसाब से मेरे माँ बापों ने मुझे अच्छी पढ़ाई करवाई, स्थिति नहीं थी तो गवर्नमेंट में डाला, लेकिन दोस्तों आज है जिंदगी कि मेरे लड़के और अपना ही नहीं मेरे भाई का भी लड़का और मेरा लड़का दोनों DPS हिंदुस्तान की सबसे टॉप स्कूल DPS में पढ़ने जाते हैं। यहां अपने लिए कर सकते हो आप, दुनिया में कहीं भी दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जो आपको ताकत देता है कि आप सक्सेस होते हो तो घर परिवार में आप बहुत सारे लोगों को खुशियां दे सकते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी परिवर्तन ला सकते हो। दोस्तों ऐसे बदलती है जिंदगी। लेकिन मुझे बताइए ये जो आपने लाइफ स्टाइल देखी, ये जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ये पहले दिन नहीं थी आज हुई है, तो इसके बीच में कुछ हुआ होगा या अपने आप हो गई, कैसे क्या मानना है आपका? अपने आप तो नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा जिंदगी बदलने के लिए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इस छोटी सी पॉकेट को बड़ा करने के लिए, कुछ ना कुछ तो किया होगा। दोस्तों सबसे पहला काम मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताया कि इस काम में अगर सक्सेस लेनी है तो इस काम को डूब के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? डूब के, ये फॉर्मेलिटी से नहीं चलेगा, इसको डूब के करना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे याद नहीं है 19.5 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया था और उस दिन से आज तक इस काम को मैंने डूब के किया है, क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने समझाया था अगर 30% सक्सेस चाहिए ना तो दिमाग से कर ले, 70% सक्सेस चाहिए तो दिल से कर ले, और 100% चाहिए तो दिल दिमाग से कर ले, अगर 150% चाहिए ना तो स्पिरिट लगा आत्मा में, बसा इस काम को आत्मा में। और 9.5 साल से आत्मा में बसाया इस काम को, साला ब्लड भी निकाल के देखोगे तो ग्रुप भी ऐसे से निकलेगा, सेफ सोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ब्लड में गया है ये काम, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। लोग बोलते हैं हम 8 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, अरे मैं 24 घंटा काम करता हूं, कभी माइंडली करता हूं तो कभी फिजिकली करता हूं, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। तो आत्मा में बसाया इस काम को, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़े हैं इन लोगों के, इतिहास पढ़े हैं मार्केट के, जितने भी महान काम हुए हैं सेक्रीफाइस लगाए उनके पीछे मैंने किया। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं 19.5 साल का लड़का था और 24 का कब हो गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने मेरी जिंदगी का 4 साल का एंजॉय को खोया है। मुझे नहीं पता जब 19 से 24 का हुआ तो कौन प्रधानमंत्री था, मुझे नहीं पता साला कौन मुख्यमंत्री बना, मुझे नहीं पता मेरे गांव का कौन सरपंच था, मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। जिस दिन मैं 19 से 24 का हुआ मुझे कुछ नहीं पता,
मैंने मेरी जिंदगी का एंजॉय को खोया है। क्यों खोया? क्योंकि साला एंजॉय को परमानेंट फिट करना चाहता था, परमानेंट। यस, परमानेंट फिट करने के चक्कर में उस 4 साल के एंजॉय को खत्म किया। ये सैक्रिफाइस है, ये लगता है, फ्लुक में नहीं होगा। मुझे पता था, मैंने गुरुजी को बोला था, मन की 4 साल 5 साल सर 40 साल की परेशानी आएंगी। मेरे गुरुजी ने बोला मन की झेलेंगे, 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी, मन की करेंगे। 40 साल का त्याग 4 साल में करना पड़ेगा, मन की करेंगे। 40 साल की मारामारी 4 साल में झेलनी पड़ेगी, मन की कर लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 36 साल टेंशन फ्री जिंदगी जीने के लिए। थोड़ी थोड़ी परेशानी, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बढ़िया है कि एक बार दम लगा के कर लिया जाए काम, बाकी जिंदगी तो मस्त हो जाएगी। यस या नो? तो सेक्रीफाइस किया है। इफ यू वांट बिग थिंग इन लाइफ, यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। रोजाना छोटी छोटी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने किया है, या जितने भी लोग हैं जो टॉप पे जा गए हैं सबने किया है। मैंने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो मैंने, मेरे को भी तभी मिलेगा तब मुझे करना पड़ेगा। मैंने किया है तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, डेली का मजा चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए, आईपीएल कौन जीत रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सरपंची का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है, सब आनंद लेते हुए इस आनंद को लेना चाहते हैं। नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि यह आनंद सब आनंदों पर भारी है, यह कीमत मांगता है। तीसरा, मैंने मेरा डेवलपमेंट किया, मैंने मेरे आप को हमेशा अपग्रेड किया। मैंने बाहर से भी अपग्रेड किया, मैंने अंदर की सुंदरता पे काम किया, मैंने बाहर की सुंदरता पे भी काम किया। मेरे गुरु ने मुझे समझाया था, एक लेवल तक, एक जगह तक आपको सिस्टम अपलाइन पहुंचा देगा, लेकिन अगर टॉप पे लगातार बने रहना है और जाना है तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट तू खुद नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट के लिए तुझे सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए तुझे प्लेनों का सहारा लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए तुझे सीढ़ियां सुननी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए तुझे दिशा अटेंड करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए तुझे गुरुकुल अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों आज मुझे फक्र है ये बात बोलते हुए, गर्व है कि 9.5 साल से कहीं भी आवाज दी गई हो और कहीं भी मेरे डेवलपमेंट के लिए काम हुआ हो और ये लड़का नहीं पहुंचा हो, ऐसा हुआ ही नहीं और अगले 70 साल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक सफाई करने वाला हवाई जहाज में घुस गया और वो हवाई जहाज की सफाई करता करता कॉकपिट में पहुंच गया, जहां पायलट चलाता है, जहां पायलट बैठता है, उसमें चला गया सफाई करता करता। और वहां उसने एक बुक देखी, बुक पे लिखा हुआ था हवाई जहाज उड़ाना सीखे वॉल्यूम 1। और उसने पहला पेज खोला, पहले पेज पे लिखा हुआ था सबसे पहले आप सीट पे बैठिए, वो बैठ गया। दूसरा पेज पलटा, उसने दूसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को स्टार्ट करने के लिए नीला बटन दबाइए, उसने दबाया। तीसरा पेज खोला, तीसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू बटन दबाइए, उसने दबाया। ग्रीन बटन दबाइए, उसने दबाया। अगला पेज खोला, हवाई जहाज को टेक ऑफ के लिए रेड बटन दबाइए, उसने दबाया और हवाई जहाज उड़ गया। और जैसे ही अगला पेज खोला, उस पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को लैंडिंग करने के लिए नजदीकी दुकान से खरीदे वॉल्यूम 2। कईयों का हेलीकॉप्टर, कईयों का हवाई जहाज टेक ऑफ तो कर जाता है लेकिन साला लैंडिंग नहीं करता। क्यों? सीखा ही नहीं लैंडिंग कैसे होता है, सिस्टम में आई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हर लेवल पर टेक ऑफ कर गया करने के लिए भी सीखना पड़ेगा, टेक ऑफ कर गया तो लैंडिंग के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। हमेशा एजुकेशन को आपको लेना पड़ेगा, जिसको मैंने लिया। तीसरा काम, चौथा काम, इस ये बिजनेस सेल्फ इमेज जिनकी हाई होती है उनका है ये काम, और ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है, मेरी शुरू से हाई है, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को याद है मैं 5वीं क्लास में था, मैं 3 नंबर के लिए मैंने मेरे पूरे कुनबे को स्कूल में ले जाकर टेक दिया था, साला 3 नंबर मेरा कम कैसे आया एक स्टूडेंट से, इतनी सेल्फ में जाई। मैं खेलता था तो खेल में मैं सेकंड स्थान पसंद नहीं करता था, मैं सेफ शॉप में आया या मैंने काम किया मैं पसंद ही नहीं करता हार। सेल्फ इमेज इतनी हाई है, मैं जीतना ही चाहता हूं और किसी भी कीमत में चाहता हूं,
दैट इज वाई आई एम विनर। मेरे को कोई समझा नहीं सकता मार्केट की दुनिया, मेरे को कोई लेके नहीं जा सकता, मेरे को कोई कहानी नहीं सुना सकता, मेरे को इसके से नेगेटिव नहीं कर सकता। आए बहुत पिछले 9.5 साल में इंजेक्शन ले लेके, लेकिन एक से नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि साला वो 1000 mg का लाता था तो 1400 mg का तैयार रखता था पहले ही। तकलीफ कहां होती है? तकलीफ वहां होती है जब हम मार्केट में निकलते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं और वो इंजेक्शन लेके खड़े होते हैं और हम लेट लेट के लगवाते हैं कि लगा ले। हमारी जिंदगी पर किसी का भी अधिकार नहीं है कि कोई भी कैसा भी आदमी आए और इंटरफेयर करे ना। मैंने मेरी जिंदगी का हक दिया, मेरे आदर्श लोगों को, इस सिस्टम को, और मैंने मेरा खुद का डिसीजन। इसके अलावा कोई आदमी आके पर नहीं मार सकता। दैट इज व्हाई आई एम हेयर। और पांचवा काम किया मैंने, छोड़ा नहीं इस काम को। क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। फेविकोल का जोड़ लगा लिया 9.5 साल से, छोड़ा नहीं। मैं देखता हूं पिछले 9.5 साल का इतिहास, बहुत सारा कारवा लेके चलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ जुदा हो जाते हैं, कुछ खुदा हो जाते हैं, और कुछ गुमशुदा हो जाते हैं, और कुछ शादीशुदा हो जाते हैं। यस, जुदा हो जाते हैं, कई खुदाई हो जाते हैं अपने आप में। यस, कईयों का पता ही नहीं चलता आए कब थे, निकल कब लिए। कई गुमशुदा हो जाते हैं और कईयों को शादीशुदा होना भी लेके जा चला जाता है कि सर मैं काम करूं, मेरी तो शादी हुई है। लेकिन दोस्तों 9.5 साल से लगातार इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। क्योंकि मेरा फेवरेट डायलॉग एक, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। छोड़ने वाला जीतता नहीं और जीतने वाला छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं है मन मेरा नहीं करता था। मार्केट में निकलता है तो पीला पीला सबको दिखता है भाई। यस, ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पकड़ के रखा। मेरा जब भी मन करता था मैं तभी नहीं छोड़ता था, बाकी मेरा फिर मन करता ही नहीं था। मेरे गुरु ने मेरे को समझाया, बोला तेरे साथ कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि तेरे पास जेब में पैसा नहीं होगा, माई बाइक में पेट्रोल नहीं होगी, परिवार सपोर्ट में नहीं होगा, मार्केट में लोग आपको बैठा नहीं रहे होंगे बगल में। फिर मैंने कि फिर क्या करें सब, ये तो लास्ट है। बोला नहीं, तभी मत छोड़ना, यही तो डायमंड बनने की निशानी है। तब छोड़ने का मन करे तभी। तो दोस्तों 9.5 साल से इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं, फेविकोल का जोड़ लगा दिया, और ये वादा है अगले 70 साल कोई छुड़वा भी नहीं सकता, ये भरोसा है हमें। दोस्तों ये सेक्रीफाइस की है, अपलाइन की बात को कभी नहीं काटा। मेरे गुरु यहां बैठे हुए हैं, इनको पता है 9.5 साल से, 9.5 साल से जिस दिन से मैंने ये काम करना शुरू किया था और आज का दिन है, मेरी डिक्शनरी में 2 किंतु बट परंतु ये 4-5 वर्ड है ही नहीं, है ही नहीं। यस हो जाएगा सर, यस हो जाएगा सर। अरे इतने बड़े बड़े ड्रीम क्रिएटर हमारे सामने बैठे हुए हैं, वरना हमारी क्या सोचती। 20 रुपया लेकर के आए थे इस बिजनेस में, आज 2.5 करोड़ का आदमी बनाया इस बिजनेस ने। क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था। अरे क्या एजुकेशन थी हमारे पास? साला माइक पकड़ते थे तो माइक हिलता था ऐसे, 5 आदमी घर में आ जाते थे रिश्तेदार तो छुप जाते थे किचन में जाकर के। आज ये टाइगर वाली जिंदगी, टाइगर की तरह बोलना सिखाया है इस बिजनेस ने। आज 4000 नहीं 4 लाख आदमी बैठ जाए तब भी इसी टाइगर की तरह दाड़ता है, ये दिया है इस बिजनेस ने। तो दोस्तों जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है इस बिजनेस ने, यू टर्न ला दिया है। मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता आपको, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि ये शेर लोगों का बिजनेस है। किन का बिजनेस है? ये शेर लोगों का बिजनेस है, ये गीदड़ों का बिजनेस नहीं है, गीदड़ों का बिजनेस नहीं है। और लास्ट में एक स्टोरी सुना करके मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं, और इस स्टोरी में बेहतरीन जबरदस्त स्टोरी है, मैसेज है, समझने का प्रयास करना। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक चूहा रहता था। क्या रहता था? चूहा रहता था। वहां एक मदारी पहुंच जाता है जंगल में, और वो मदारी देखता है वो चूहा बेचारा डर से कांप रहा था। वो मदारी बोलता है कि आप क्यों डर रहे हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे बिल से? तो चूहा बोलता है निकल तो जाऊं बिल्ली खा जाएगी। क्या बोलता है? निकल तो जाऊं लेकिन बिल्ली खा जाएगी। तो वो जादू की छड़ी घुमाता है,
और उसको बिल्ली बना देता है। बोले ले बिल्ली बन तू डायरेक्ट। थोड़े दिन बाद फिर गया तो बिल्ली भी बेचारी डर से कांप रही। बोला अब क्या हुआ? बोला निकल तो जाऊं कुत्ता खा जाएगा। वो जादू की छड़ी घुमाता है और उसको कुत्ता बना देता है। थोड़े दिन बाद फिर मदारी जाता है और कुत्ता भी बेचारा डर से कांप रहा। बोला अब क्या हुआ? बोला मैं निकल तो जाऊं लेकिन शेर खा जाएगा। तो वो उसको छड़ी घुमाता है और उसको शेर बना देता है। थोड़े दिन बाद फिर जाता है तो बेचारा शेर भी डर से कांप रहा। बोला अब क्या हुआ? अब तो तू जंगल का राजा शेर है। बोला नहीं निकल तो जाऊं साला शिकारी शिकार कर लेगा। जादूगर को गुस्सा आता है और जादू की छड़ी उठाता है और घुमाता है और वापस उसको चूहा बना देता है और बोलता है कि कोई जादू की छड़ी से कोई चूहा शेर नहीं बनता, साला शेर के लिए शेर का जिगरा होना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।